नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देव उठनी एकादशी के बारे में। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ भी लिया है कि देव उठनी एकादशी पर तुलसी के इन खास टोटके से 24 घंटे में ही किस्मत पलट जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देव उठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे कई जगह देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। और इस बार देव उठनी यानी कि देवोत्थान एकादशी 2022 में इस वर्ष 4 नवम्बर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की सब पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसी तिथि पर, एकादशी तिथि पर, कोई भी भक्त सच्चे भाव से भगवान विष्णु का पूजन करता है और भगवान विष्णु का व्रत रखता है तो उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी होती है। और हिंदू सनातन धर्म में कहा भी जाता है कि देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु इसी दिन योग निद्रा से जागृत होते हैं, जागते हैं। और इससे पूर्व 4 माह यानी के चतुर्मास के दिनों में भगवान क्षीर सागर में सो जाते हैं। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। वहीं देव उठनी एकादशी से सगाई, शादी और सभी मांगलिक कार्य का भी शुभ आरंभ हो जाता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो मांगलिक कार्य सभी प्रकार के देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास है और विशेष है, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देव उठनी एकादशी पर कौन कौन सी चीज़ों को करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि देव उठनी एकादशी पर उन्नति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी माता पर यानी कि एकादशी के दिन तुलसी देवी पर कौन कौन सी चीज़ों को चढ़ाना चाहिए जिससे तुरंत ही 24 घंटे में ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें कि आप हमारे परिवार स्पिरिचुअल ट्री चैनल का परिवार का हिस्सा हैं। हमारे वीडियो पर व्यू आए या ना आए, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति को वीडियो देखने के बाद लाभ की प्राप्ति होती है तो इसी से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम अपने हर एक वीडियो में बड़ी ही ज़्यादा खास चीज़ों को आपको बताते हैं जिससे आप सभी चीज़ों को ध्यान रख सकें। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी पर कौन कौन सी खास चीज़ों को किया जाता है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, इस तिथि के बारे में संपूर्ण जानकारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। तो आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी की तिथि इस प्रकार है। गुरुवार 3 नवंबर को संध्या काल में 7:30 से शुरू होकर अगले दिन 4 नवंबर को संध्या काल 6:08 पर यह समाप्त हो जाएगी। साधक 4 नवंबर को भगवान की पूजा उपासना कर उपवास कर सकते हैं। वहीं 5 नवंबर को सुबह 8:52 तक पारण कर सकते हैं। अब देव उठनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन से ही लहसुन प्याज समेत तामसिक भोजन का बिल्कुल ही त्याग कर दें। अगले दिन यानी एकादशी को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है और नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना है। इसके पश्चात आचमन कर व्रत संकल्प लेना है। अब सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें, फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा फल फूल पुष्प धूप दीप कपूर बाती पीले मिष्ठान आदि से करें। अंत में आरती अर्चना करें, दिन भर उपवास रखें और संध्या काल में आरती अर्चना करने के पश्चात फलाहार कर लें। दिन में एक बार फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। 5 नवंबर को नित्य दिनों की तरह पूजा उपासना कर पारण करें। इसके बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न दान कर भोजन ग्रहण आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि देव उठनी एकादशी पर कौन कौन से खास उपाय को किया जाता है जिससे आपकी उन्नति बढ़ सके, बंद किस्मत के ताले खुल सकें। क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में बताते हैं कि वे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफल हो नहीं पाते हैं, यानी कि उनके जीवन में पैसों की तंगी बहुत ही ज़्यादा चलती रहती है और स्थिर लक्ष्मी का वास उनके घर में हो नहीं पाता है। और अधिकतर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि लक्ष्मी देवी को चंचला देवी कहा जाता है। क्योंकि लक्ष्मी देवी कहीं पर भी एक जगह नहीं टिकती हैं, इसीलिए चंचल होती हैं। लेकिन धर्मशास्त्र में लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपाय भी बताए गए हैं। और जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी खुद ही आकर्षित हो जाती हैं, यानी कि भगवान विष्णु यानी कि धर्म जहाँ पर स्थापित होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का अवश्य ही वास होता है।
तो चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं कि माता लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास किस प्रकार करवाया जा सकता है। क्योंकि जिस घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास होता है, वहां पर सुख और समृद्धि के साथ साथ धन का भी आगमन हमेशा ही होता रहता है। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनको नौकरी जहां पर वह करते हैं वहां पर नौकरी में प्रमोशन उन्हें नहीं मिल पाता है, या फिर जिन लोगों को नौकरी आसानी से मिल नहीं पाती है, जिन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो देव उठनी एकादशी पर इन खास उपायों को करके लाभ उठाया जा सकता है। तो सबसे पहला उपाय तो दोस्तों इस प्रकार है कि देव उठनी एकादशी पर अगर भगवान विष्णु को दूध और केसर मिलाकर अभिषेक करवाया जाता है तो इससे हर प्रकार की मनोकामना तुरंत ही पूरी होती है। जैसे कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो दूध और केसर मिलाकर भगवान विष्णु को अवश्य ही अभिषेक करा दें, इससे सारी मनोकामना पूर्ण आपकी हो जाएगी। अगर कर्ज में डूबे हैं और धन संबंधी परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल अवश्य ही अर्पित कर दें। शाम के समय पीपल के नीचे दीपक अवश्य ही जलाएं। ऐसा करने से जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर पर्स में हमेशा पैसा बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पैसे चढ़ाएं और उन्हें अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से व्यक्ति को धन का लाभ होता है और व्यक्ति का पर्स बिल्कुल भी कभी भी खाली नहीं रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर धन में वृद्धि चाहते हैं तो भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ सफेद रंग की चीज का भोग अवश्य ही लगा दें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह जो उपाय हैं यह शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं, शास्त्रों में लिखे गए हैं, इसीलिए बड़े ही ज्यादा खास यह उपाय हैं और इनसे संपूर्ण प्रकार की मनोकामना तुरंत ही पूरी होती है। अब आपको बता दें, कोई जरूरी काम अगर आपका है जो काफी लंबे समय से अटका हुआ है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अटके हुए हैं और हो नहीं पा रहे हैं, ऐन मौके पे आके रुक जाते हैं, तो देव उठनी एकादशी पर आपको केवल इतना करना है कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर नारियल और बादाम अर्पित अवश्य ही कर दें। इससे सभी कार्य संपन्न होंगे और सफलता मिलेगी। आपको बता दें कि अगर आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति, तरक्की, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल माता लक्ष्मी ही धन आपको प्रदान कर सकती हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें कि भगवान विष्णु यह तय करते हैं व्यक्ति के पुण्य के अनुसार कि कितना धन और कब आपको मिलना है। इसीलिए देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जितना ज़्यादा अधिक प्रसन्न कर लिया जाए उतना ही थोड़ा रहता है। इसलिए देव उठनी एकादशी पर बड़े ही ज़्यादा खास प्रयोग आपको अवश्य ही करने चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि देव उठनी एकादशी पर अपने घर से भगवान विष्णु के मंदिर बिल्कुल आपको नंगे पैर जाना है। ऐसा करने से जितने भी दुष्कर्म आपके होते हैं, क्योंकि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, तो अगर इस प्रकार आप करते हैं, अपने घर से भगवान विष्णु के मंदिर बिल्कुल नंगे पैर जाते हैं, तो इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जैसे ही जब भी अगर किसी व्यक्ति के पुण्य बढ़ जाते हैं तो तुरंत ही उसकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाती है, उसकी किस्मत बलवान हो जाती है, भाग्य चमक जाता है और जितने भी उसके सोचे हुए कार्य हैं वे निर्विघ्न बिल्कुल संपन्न होने लग जाते हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहते हैं कि वह कौन से 18 उपाय हैं जिन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 18 बातें जिनको अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान रखता है तो निश्चित ही सफल आप हो जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए ये 18 उपाय मुख्य रूप से ध्यान रखने चाहिए। फिर से इसी के साथ आपको याद दिला दें, अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु नहीं लिखा है तो तुरंत जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी पर इन 18 बातों का ध्यान अवश्य ही आपको रखना है। सबसे पहला तो यह है कि तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ या खंभे अवश्य ही बनाने चाहिए, जिसके बाद उस पर तोरण सजा लें, रंगोली से अष्टदल कमल की सजावट करें और शंख, चक्र और गाय के पैर अवश्य ही बना लें। क्योंकि ऐसा अगर देव उठनी एकादशी पर किया जाता है और जिस भी घर में किया जाता है वहाँ पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं और देव उठनी एकादशी विशेष होती है, तो इन चीज़ों का अवश्य ही ध्यान रखें। इसी के साथ तुलसी के साथ आंवले का गमला अवश्य ही लगा लें, तुलसी का पंचोपचार स्वर्ग पूजा करें। देव उठनी एकादशी पर तुलसी की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। जो लोग दशाक्षरी मंत्र नहीं जानते हैं उन्हें बता दें, दशाक्षरी मंत्र इस प्रकार है, श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावने स्वाहा। तो इस प्रकार से इसी मंत्र से आपको पूजा करनी है। घी का दीप और धूप अवश्य ही दिखा दें।
आपको ये भी बता दें कि तुलसी पूजा अवश्य ही देवउठनी एकादशी पर करनी चाहिए, क्योंकि इसी से केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करना भूल जाता है तो देवउठनी एकादशी का पूर्ण लाभ उस व्यक्ति को मिल नहीं पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु बिल्कुल अधूरे कहे जाते हैं तुलसी के बिना, और तुलसी भी बिल्कुल अधूरी कही जाती है भगवान विष्णु के बिना। तो अवश्य ही इन चीजों का ध्यान रखें, सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य अवश्य ही चढ़ा दें, तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित कर दें, जिसके बाद लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र का पाठ करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी के पास दीपदान अवश्य ही करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपदान जो कोई भी व्यक्ति करता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है, और हर कोई मोक्ष ही प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि दीपदान तुलसी के पौधे के पास करने से, खासकर की देवउठनी एकादशी पर करने से, यह जो दीप का प्रकाश होता है यह उस मृत व्यक्ति के साथ जाता है, जो उसे सीधा स्वर्ग में पहुंचा देता है और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। खास करके आपको ये भी बता दें कि दीपदान जो कोई भी व्यक्ति करता है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है तो उसके पितरों को भी संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को महापितर कहा जाता है, और जो कोई भी व्यक्ति उनका दीपदान करता है देवउठनी एकादशी के दिन करता है तो उसके पितर उसे आशीर्वाद प्राप्त करवाते हैं, यानी कि उसे आशीर्वाद देते हैं, और जितने भी उसके रुके हुए कार्य हैं सारे संपन्न हो जाते हैं। पितर बिल्कुल ढाल की तरह ऐसे कार्य करते हैं जिस भी व्यक्ति के पितर प्रसन्न होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर बताया गया है। अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं रहती हैं तो हरि विष्णु को तुलसी का दल अवश्य ही चढ़ा दें। अब जिन दंपतियों के यहाँ संतान ना हो तो वो तुलसी नामाष्टक का पाठ अवश्य ही कर लें, खास करके जिन लोगों के शीघ्र विवाह के योग नहीं बन पाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनका विवाह नहीं हो पाता है या फिर विवाह के बाद लड़ाई झगड़े अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा अधिक होते हैं तो तुलसी नामाष्टक के पाठ से ना सिर्फ शीघ्र विवाह होता है बल्कि बिछड़े संबंधी जो होते हैं, जो आपको छोड़कर चले गए होते हैं, वो भी करीब आते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपस में बैर हो जाता है तो लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो इसीलिए तुलसी नामाष्टक का पाठ अवश्य ही कर लें। नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा लेकर और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करने से नए घर में संपत्ति की बिल्कुल भी कभी कमी नहीं होती है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है। जब भी आप नया घर लेते हैं तो इस उपाय को अवश्य ही कर लें। कारोबार में सफलता के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में अवश्य ही रख लें। नौकरी में इससे बड़ा प्रमोशन होता है। और अगर आप अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का वास करना चाहते हैं तो तुलसी मंत्र का जाप अवश्य ही आपको करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करने से उस घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके जीवन में ग्रह दोष बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है या फिर कालसर्प दोष होता है तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता की 108 बार परिक्रमा अवश्य ही संपूर्ण परिवार मिलकर जरूर ही कर लें। इससे सभी लोगों में आपस में प्रेम बनता है और उस घर में सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।